ये इंडियन लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती है? मुझे क्या मालूम यार, मैं तो यहाँ अभी आया हूँ। अरे तू तो आया लेकिन ये गया। प्लीज प्लीज प्लीज, हाउ इज इट पॉसिबल? आई गॉट माय पासपोर्ट, आई गॉट माय कंफर्मेशन लेटर्स, आई गॉट माय एम्बेसी पेपर्स, आई नो। ओह गॉड, नो। वेल नो, आई एम सॉरी, वी कैन नॉट मीट यू। प्लीज नो सर, आप तो कुछ नो। अरे क्या हुआ? नो नो, लेकिन एडमिशन नहीं। मैं साल बर्बाद हो। अरे मेरी बात तो सुनो। इंडिया से ठेंगा, ठेंगा लाइफ करियर पैसा हो गया, बैड लक तेरा हो गया। क्या है? एक लाइन तो पूरी बोल। क्या हो गया बोल पहले। मुझे एडमिशन नहीं मिला, मुझे एडमिशन नहीं मिला। ऐशा डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक होगा? मेरा पूरा पूरा लाइफ बर्बाद हो गया। अरे सुन सुन, मैं क्या बोल रहा हूँ, सुन। अरे लीव मी अलोन, लीव मी अलोन। This is for you. This is for me. Yeah. देखो, एडमिशन नहीं मिला तो क्या हुआ? मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ के लड़कों की लाइन लगा दूंगा, लाइन। हाँ। अरे पढ़ने के बाद शादी करना है ना, फिर बच्चा होगा, फिर बच्चे के बच्चा होगा, फिर बच्चे के बच्चे का बच्चे। 30 साल पहले प्रॉमिस करके यहाँ लेके आए थे और मुश्किल से एक पैदा किया, वो भी ये। मॉम। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जरा चुप रहो। देखो तुम जरा इसे समझाना, तब तक मैं गाड़ी बाहर निकालता हूँ, चलो। मम्मी, ओ यू आर सो प्रीटी मैन। अच्छा सुनो, तुम भगवान पे विश्वास करती हो? हाँ। वो है ऊपर, करेक्ट? इफ देयर इज अ गॉड, देयर विल बी अ मिरेकल। क्या मिरेकल? ओह सच अ प्रीटी फ्लावर गॉट मी, इट्स बिटवीन यू एंड मी। ओके फाइन, अब तुम आंखें बंद करो, करो ना, एंड काउंट। एक, सी या, आई लव, आई लव। दो, आई लव 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 लव। वाह, तुम जो भी हो, आई लव यू, आई लव यू। अगर तुम लोग ऐसी सेक्स की गंदी गंदी बातें करने वाले हो ना, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। Come on Aisha, just cheer up now. Relax. बैठो यहाँ, मेरी बात सुनो। God. तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। मैंने एक बार कह दिया, मतलब तुम्हारा काम हो गया। छोड़ो। Now can I just see a smile, please? Lovely. क्या? One more. अभी आया। मैं तुम्हें यहाँ का गर्मा गर्म कुत्ता खिलाता हूँ। क्या? हॉट डॉग। एक बार खाओगी खाती रह जाओगी। तुम यही बैठो, मैं अभी लेकर आया। मैंने कोई मोटी नहीं हो जाएगी, 100% फैट फ्री। Just wait. One minute. Oh God. अमित नहीं चाहिए। Excuse me. Yeah. Please call him. Okay. Excuse me, that girl, she's calling you. Me? Okay. Hi, I'm Rahul. आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया। लेकिन वेटर्स ने तो कहा कि आपने मुझे बुलाया। नहीं नहीं, वेटर्स को लगा कि आप। वेटर्स को छोड़िए ना, अगर आपको मैं हैंडसम और स्मार्ट लगा तो लगा, तो बुला लिया। It's okay. Please. Please क्यों? इतनी रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत है? मैं तो आपका ही हूँ, I'm all yours. देखिए, मैंने आपको नहीं बुलाया। I know. यही कहते कहते तो सारी इंडियन लड़कियां यहाँ पर आती हैं और यहाँ के रिच NRI बॉयज को फंसाती हैं और उनसे शादी कर लेती हैं। अमेरिका हो या न्यूजीलैंड, सबको यही एंट्री चाहिए। मुझे अब आपकी एग्जिट चाहिए। I know. यही कहते कहते तो आधा अमेरिका अहमदाबाद बन गया और आधा लंदन लुधियाना, और आपके आने से ये न्यूजीलैंड भी लगता है नोएडा बन जाएगा। वैसे आप पंजाबी हो? पॉडी शॉडी से तो लगता है कि आप एक खाते पीते घर की पंजाबन सोनी कुड़ी हो, दलेर दे कजन तो नहीं हो। देखिए आप हद से आगे बढ़ रहे हैं। हद से ज्यादा तो आप बढ़ रही हैं। मैं तो वही कह रही हूं, कहो तो आगे आ जाऊं। यू आर टू मच। सच? ओह माय गॉड। अरे अरे दलेर की कजन, सुनो सुनो। क्या पानी है? पानी इतना टेस्टी कभी नहीं था। ए, व्हाट अ बिग फ्लर्ट, तुम्हें शर्म नहीं आती? आती है ना, इसलिए तो शर्म से पानी पानी हो गया। चलो चलो पहले पियो। मेरी प्यास तो कब की बुझ गई। अच्छा, व्हाट अबाउट यू? और वैसे भी इंडिया में तो पानी का बहुत प्रॉब्लम है ना, नर्मदा प्रॉब्लम, गंगा प्रॉब्लम, कावेरी प्रॉब्लम वगैरह वगैरह वगैरह। ए, इंडिया के बारे में कुछ मत कहना, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जन गण मन झंडा ऊंचा रहे। अरे अरे, क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? हाय राहुल, मीट माय फ्रेंड एशा। तो तुम इसे जानते हो? हाँ, ये मेरा कॉलेज फ्रेंड, हम सब यहाँ के इंडियंस हैं। NRIs? NRI, नॉन रिलायबल इंजन। हाँ,
हाय बाय। हाय का जवाब बाय क्यों? व्हाई? ऐशा ऐशा उसकी तो आदत है मजाक करने की और इस वक्त तो कैफे में ही होगा। कहाँ फेंकूं इसका मोबाइल? ऐशा लिसन टू मी। अरे इसमें इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? मेरा पेट ऐसा खराब हो गया। क्या मजाक है? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारा मुंह ठीक करने की कोशिश कर रहा था। ए तुमको ना दिया मेरा मुंह ठीक करने वाली। रिलैक्स रिलैक्स बैठो यहाँ, ये सब अपने दोस्त है, दिस इज आवर ग्रुप। ठीक है तो कह दो इनसे कि हम इंडियन लड़कियां ना तुम्हारी इन प्रैंक्स और बचपने से इंप्रेस नहीं होती। She is right. वैसे मैं इस भारतीय कल्चर तुम्हें बहुत गर्व है ना अपने इस इंडियन होने पर। हाँ तो क्या रखा है तुम्हारे इस इंडियन कल्चर में? ए यहाँ बैठ के तुम्हें क्या पता इंडियन कल्चर क्या होता है? कम से कम कोई हिंदी पिक्चर देखे तो सीखो। हिंदी फिल्म उससे ज्यादा वल्गर और गंदी चीज हो ही नहीं सकती। क्या 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 कहा? हिंदी फिल्म और वल्गर? तो सेकंड में साबित कर देंगे। कैसे? तुम किसी एक हिंदी फिल्म का नाम लो, मैं उसके नाम के आगे सिर्फ एक शब्द सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दूंगा और वो पूरी की पूरी बल्गर हो जाएगी। ठीक है चलो चलो नाम बोलो। हाँ, बोलो 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 बोलो। हम दिल दे चुके सनम खटिए पे। राम तेरी गंगा मैली खटिए पे। मुझे कुछ कहना है खटिए पे। दिल है कि मानता नहीं खटिए पे। कभी खुशी कभी गम खटिए पे। हम साथ साथ है खटिए पे। एक मिनट आ अब लौट चले खटिए पे। दिस गुड मैन। वेरी गुड मैन। देखा हंस दिया तुम्हारा मुंह ठीक हो गया ना? यही तो मैं चाहता था। वैसे ईशा एडमिशन मिले ना मिले तुम्हें हमारे ग्रुप में एडमिशन मिल ही गया। Friends? Yeah, friends. Hi, I'm Dilip. Hi. Hi, I'm Atul. Hi. Hi. हम तो मिले। क्या? खटिए पे? शाम को फोन करोगी ना? मोबाइल पे? ईशा? आज मूड नहीं है फ्लर्ट करने को, शायद कल होगा। Hi, Christy. Hey, looking good, huh? Hey, dude, huh? You've got 95% marks, man. Yeah, man. Great. अरे यार थोड़ी कम कॉपी की होती। अरे नहीं नहीं करेक्ट है। देखना इसी तरह शॉर्टकट लेते लेते जिंदगी में कहां से कहां पहुंच जाएगा। नस नस में जीनियस है ये। Yeah, man. Great, man. बस करो यार। तुम लोगों को तो मालूम है ना मैं किस तरह पास हुआ हूं। अरे इसे क्या हुआ यार? अरे राहुल। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो राहुल। मुझे 95% मार्क्स मिले हैं पर मेरे रिजल्ट्स में कुछ गड़बड़ है। 95% मार्क्स तो अच्छे मार्क्स है। अच्छे है लेकिन ईमानदारी से मिले होते तब ना। हाँ सर मैंने सारे पेपर्स में कॉपी की है। एक वीक मोमेंट में मुझसे गलती हो गई, मुझे फेल कीजिए सर। राहुल मैंने अपने 25 साल के करियर में आप जैसा लड़का नहीं देखा, सच। सर मैं यूनिवर्सिटी और अपने पेरेंट्स को चीट करके पास तो हो जाता लेकिन फिर हमेशा के लिए अपनी नजरों में फेल हो जाता ना। Amazing. He cheated in the exam and he's admitting it. Great. I think these Indian kids have great honesty. I'm sorry, sir. Pass. Excuse me, sir. Sir. अरे अरे क्या हुआ बताइए? Sir, please, sir. बहुत दिन से कोशिश कर रही हूँ. Finalist में भी मेरा नाम नहीं है. Sir, please मेरा admission का कुछ कीजिए. I'm sorry. सारी सीटें भर चुकी हैं. अब एडमिशन मिलना मुश्किल है। Just a minute. Is she from India too, like Rahul? Yes, sir, पक्का इंडियन। Yes, principal. A very deserving candidate, but we then we must give her admission. Indian kids have honesty and character. लो, तुम्हें मिल गया एडमिशन। Thank you. My pleasure. Thank you, हमें नहीं। उस राहुल से कहिए, उनके वजह से आपको ये सीट मिली है। Thank you, sir. Welcome to our college. All the best. राहुल। पढ़ाई में क्या इतनी ऑनेस्टी है? डोंट बी रिडिक्युलस। पागल है क्या तू? ऐसा खुद जाके कोई बोलता है क्या मुझे फेल करो, मुझे प्लीज फेल करो। व्हाट मैन? राहुल दैट्स द वे आई एम। राहुल सुनो सुनो सुनो। अरे 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 इतने खुश क्यों? इंडिया वापस आ रही हो क्या? थैंक यू सो मच। पता है प्रिंसिपल साहब ने मुझे एडमिशन तुम्हारी वजह से दिया। यू आर जस्ट टू गुड, यू आर जस्ट टू ग्रेट। ए तुम जानती नहीं मैं बहुत बुरा लड़का हूं। तुम अच्छे हो और सच्चे भी हो। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद यू। Can I take you out for a party, please? अरे अरे रहने दो। होगा यूं कि पार्टी पर ले जाने के लिए तुम हमें बाहर ले जाओगी, साथ साथ चलना, फिर हाथ पकड़ना और फिर धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ जाएंगे। तुम शर्मा के मुस्कुराओगी
और तुम जानबूझकर हंसोगे और फिर हम एक डिस्को या पब में घुस जाएंगे और वहाँ पे म्यूजिक डांस पैशन तुम्हारी आंखें तुम्हारे होठ मेरे होठ से और फिर सिर्फ तुम और मैं यस अकेले में साथ साथ यू मी एंड तन्हाई अकेले में सांस सांस बस 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 अब आगे बढ़ मना अभी रोका है तभी नहीं रोक पाओगी इसीलिए कहता हूँ सोच लो इसमें सोचने की क्या बात है तुम मेरे दोस्त तो बन सकते हो ना ऐशा यही तो मेरी प्रॉब्लम है मैं रिश्तों से डरता हूँ बिलीव मी किसी से कुछ कहना चाहूँ भी ना तो नहीं कह पाता सच ठीक है मत कहना लेकिन अगर मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ ना तो कॉलेज के पीछे जो लेक है उसके पहले पेड़ की पहली डाली पर इसे बांध देना मैं तुम्हारा जवाब समझ लूंगी बाय अरे यार तेरी प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम है यार मैं शादी के लिए लड़की देखने गया था तो उसकी माँ के प्यार में मेरे डैडी पड़ गए अब वो दोनों शादी करना चाहते हैं तो करने देना शादी इसमें प्रॉब्लम क्या है अरे प्रॉब्लम कैसे नहीं है यार अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो मैं अपनी होने वाली सास को सास कहूंगा या माँ कहूंगा You've got a choice. अच्छा और फर्ज करो अगर उनको बेटा होता है तो वो मुझे भाई कहेगा या जीजा कहेगा Again, you've got a choice. और सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है दिलीप की मेरी होने वाली बीवी जो अब उनकी बेटी बन गई है मुझे भैया कहेगी या सैया कहेगी हाँ भाई तू डिसाइड कर ले तू शादी करना चाहता है या राखी बनवाना चाहता है ऑब्वियसली मैं शादी करना चाहता हूँ यार देख तो यार जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले क्या है शादी तो लाइफ में सिर्फ एक बार कर सकता है लेकिन राखी तू पूरी लाइफ बंधवा सकता है यार क्या मस्करी कर रहा है यार मैं शादी करना चाहता हूँ फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ भड़कूंगा नहीं तो क्या करूंगा ठीक है एक मिनट तू एक बता ये सब में तेरी माँ क्या कहती है मेरी माँ है नहीं इसलिए तो डैडी दूसरी शादी कर रहे है अरे तेरी होने वाली सास हाँ वो अपनी बेटी की कसम देके बोल रही है रास्ते से हट जाओ हमें शादी करने दो और तेरी बहन अबे बहन है क्या मेरी बहन है मेरी बहन है मेरी अरे यानी तेरी होने वाली बीवी हाँ। वो अपनी माँ की कसम देके बोल रही है रास्ते से मत हटो मुझसे शादी करो अरे लेकिन अभी अभी तो बोला तेरी माँ है नहीं अरे मेरी माँ ने उसके माँ की कसम देके बोल रही है उसके माँ की कसम देके बोल रही है अच्छा ठीक है तू भड़कता क्यों है भड़केगा नहीं तो क्या आदमी सामने बैठ के समझ में नहीं आ रहा भड़केगा नहीं अच्छा तेरी समझ में आता है क्या नहीं हाँ तो एक काम कर तू एक पेपर ले एक पेन ले और तुम चारों बैठ के तय करो कि आपस में तुम लोग क्या रिश्ते से एक दूसरे को पुकारोगे क्या घर के अंदर अंधेरे में एक दूसरे को माँ बाप भाई जो भी बोलना बोलो हमको कोई टेंशन नहीं है करेक्ट लेकिन घर के बाहर पैर रखा यू हैव टू बी वेरी क्लियर क्योंकि हम संस्कारी लोग ये सब नहीं चलाएंगे भाई अरे वही मैं रात को कर रहा था मैंने अपना फैमिली ट्री निकाला हाँ। तो उसमें मैं ही मेरा बेटा बनकर मेरे सामने आया हाय डैडी अरे यार इसके प्रॉब्लम पर हम टीवी सीरियल बना सकते हैं हाँ, बेटा भी कभी दामाद था क्योंकि उसकी माँ ने और एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है अभी क्या सीरियल वो प्रोड्यूस करना चाहती है अरे नहीं यार तेरे को सीरियल की पड़ी है या मेरी शादी की पड़ी है ये सब होने के बाद उसने शादी से इनकार कर दिया है अरे यार तो कब से क्या इतना मगजमारी कर रहा है ये भी यार बुरा तो लगेगा ना ऐसा परिवार देखा है कभी जिसमें एक ही आदमी जो बेटा भी है बाप भी है जीजा भी है साला भी है सास भी है बहू भी है एक ही रात में बिखर गया बुरा तो लगेगा ना जब थे तो उसकी कीमत नहीं थी अब नहीं है तो बुरा लग रहा है इसीलिए कह रहा हूँ तुम लोगों को शादी के लफड़े पढ़ो ही मत सुखी रहो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना आ गए अरे राहुल इतनी मेहनत से सर्टिफिकेट मिला है उसके पुंगी क्यों बना रहे हो अरे यार डिग्री का सर्टिफिकेट हो या शादी का सर्टिफिकेट आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस ये सब कागज से टुकड़े हैं अरे तो लाइफ में तू करेगा क्या पैसे कमाऊंगा कैसे तेरे पास $100 है 100 नहीं 50 है दे अरे दे रहा दे रहा हूँ भाई वापस कब करेगा वापस किस लिए किसके लिए क्या उधार दिया ना 50 अरे मैंने तुझे कितने मांगे 100 और तूने कितने दिए 50 तो तुझे मुझे और कितने देने हैं 50 और मुझे तुझे और कितने देने 50 तो हुआ ना हिसाब बराबर 50 लेने 50 देने इक्वल हो गए ना यार तू जानता है मेरा मैथ्स बहुत कमजोर है तू डिग्री में मत जा यार मैं नहीं जा रहा हूँ हाय हाय लुकिंग हॉट हे आई मिस यू यार चेक कर रेशा जा रही हूँ इंडिया आई मिस यू लॉट लेकिन अगले महीने मैं और मेरी फैमिली इंडिया आ रहे हैं जल्दी आना मेरे पास अच्छा राहुल तुम मेरे लिए क्या लाओगे रोम से रसगुल्ले लंदन से लड्डू चाइना से चमचम जर्मनी से जलेबी और कनाडा से अच्छा पापा बस 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 और तुम क्या तोहफा दोगी मुझे दिल्ली का दिल
मुंबई की मोहब्बत, चेन्नई की चाहत और पंजाब का प्यार। जल्दी आना वरना मैं किसी धोबी से शादी कर लूंगी। हाँ प्रॉमिस। व्हाट मैन, क्या बात करता है। हाय। मैं भी करूं? नहीं आज नहीं, आज नहीं, ये डिग्री की कसम। प्लीज तू मत करा, मैं करता हूँ। ऐशा क्या हंस रहा है? तुम्हारे अंकल को हार्ट प्रॉब्लम है? नहीं तो। लेकिन मैं दे सकता हूँ। कैसे? क्योंकि आज आखिरी बार तुम्हारे जाने के पहले मैं तुम्हें किस करूंगा सबके सामने। राहुल कंट्रोल मैड बॉय। अंकल उसने मुझे रिक्वेस्ट किया। अरे रिक्वेस्ट सूझे अमा, पब्लिक में पप्पी ली थी। अरे पागल थे जो की चोकरो। पागल कहेगा? उसने जितना पब्लिक में करके दिखाया मैं तुम प्राइवेट में करके तो दिखाओ। कंट्रोल। बाय राहुल, आई मिस यू, सी यू इन इंडिया। बाय, सी यू। अरे ऐशा हमसे तो बात कर, ऐशा हमसे तो बात कर। ला मैं बात करता हूँ। कट कर दिया। क्या होगा यार राहुल और ऐशा की शादी का? अरे क्या होगा क्या यार, शादी नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, क्या कर सकते हैं। अरे ऐसे ही सारे लोगों ने शादी करना बंद कर दिया फिर कौन शादी करेगा? शादी कोई नहीं करेगा तो बच्चे कहाँ से होंगे? बच्चे नहीं होंगे तो बच्चे बड़े कैसे होंगे? बच्चे बड़े नहीं होंगे तो उनकी शादी नहीं होगी और उनकी शादी नहीं होगी। अरे तू इतना लंबा क्यों सोच रहा है यार? लंबा नहीं सोची तो क्या करूं, मेरा बाप शादी का कॉन्ट्रैक्टर है। शादी का मंडप, शादी का केटरिंग। तू हमेशा मेरे को पूछता था ना कॉलेज के बाद में कहाँ जाता था। मैं शादी में बैंड बजाने जाता था, बैंड बजाने, पेट के लिए बैंड बजाने जाता था। राहुल जैसे लोगों ने हमारे फैमिली बिजनेस की बैंड बजा दी। इस तरह लोगों ने बारात निकालना बंद की तो हमारी आरती निकलेगी। आरती निकले राहुल। अरे वाह यार, फिर तो हमारी निकल पड़ी। क्यों? हमारा आरती का बिजनेस है ना। हाँ, मटका लकड़ा सब कुछ सप्लाई करते हैं, यह मोनोपोली है यार। अच्छा एक बात बता, तेरे डैडी की तबीयत आजकल कैसी रहती है? डैडी की तबीयत, डैडी की तबीयत, डैडी। अरे यार सुन, अरे मैं तेरे को डिस्काउंट दूंगा ना यार। अरे तू अपना दोस्त है, अरे सबको एक दिन जाना यार, मेरी बात सुन। अरे यार भड़कता क्या है? अरे